हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने ऑप्टिक्स प्रकाश की जो आपका फर्स्ट सेकंड में चैप्टर था, उसको सेकंड फिजिक्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर था प्रकाश की, तो उसको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। उसके सारे डेरिवेशन बता दिए हैं, ओनली उसके न्यूमेरिकल बचे हैं तो मैं वो बाद में बताऊंगा। मैंने स्टार्ट कर दिया तरंग प्रकाश की आपका चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट फिजिक्स में मैं आपको 7 लेसन कम्प्लीट करवा चुका हूँ, जिस पर मैंने आपको 5 लेसन की पूरी तरह से न्यूमेरिकल सहित कंप्लीट करवा चुका हूँ। हालांकि मैं उसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल को डिस्कस किया हूँ, अब मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिस पर प्रत्येक चैप्टर के आधे आधे घंटे की वीडियो जाएंगी और आपके 10-12 वीडियो में पूरे न्यूमेरिकल फिनिश हो जाएंगे। तो आप टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट फिजिक्स को पूरी तरह से कम्प्लीट कीजिए। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 लेसन करवा चुका, उसे कम्प्लीट कीजिए। और यहाँ पर आइए देखते हैं तरंगाग्र की परिभाषा तरंग प्रकाश की। में सबसे पहले हम देखेंगे तरंगाग्र की परिभाषा क्या होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है तरंगाग्र की परिभाषा क्या होती है। तो इसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा, तरंगाग्र किसे कहते हैं आपका जो क्वेश्चन होता है। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ ट्रिक माध्यम से, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी बड़ी परिभाषा बताता हूँ, फिर इसके बाद इसकी एक छोटी परिभाषा बताऊंगा। तो जो इसकी बड़ी परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए दोस्तों, आप किसी तालाब में जाते हैं, नदी में जाते हैं, किस में जाते हैं, किसी तालाब में जाते हैं या फिर नदी में जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप किसी जल भरा हुआ है, शांत जल, मान लीजिए यहाँ पे कोई जल है, शांत जल भरा हुआ है, और आपने यहाँ पे अपना ढेला फेंक दिया, जैसे ही आप इसमें एक पत्थर मारेंगे तो जो वृत्ताकार बलियाँ होंगी वो चारों तरफ एक दिशा में चक्कर लगाने लगेंगी, ऐसे पूरी तरफ फैलने लगेंगी। क्या देखेंगे दोस्तों, चारों तरफ समान गति से चक्कर लगाने लगेंगी। जैसे ही वो समान गति से चक्कर लगाने लगेंगी तो किसी क्षण, मतलब ये घूमते हुए क्या आपको लिखना क्या है, बड़ी परिभाषा बता रहा हूँ। इसके मैं एक शॉर्ट परिभाषा भी बताऊंगा बाद में, वीडियो के अंत तक बने रहिए। 2 लाइन की परिभाषा भी बताऊंगा, यदि आप उसे भी लिखाते हैं तो आपको पूरे मार्क दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप इस परिभाषा को समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए ये बहुत लॉन्ग डिफिनेशन है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो आप कहेंगे क्या, जब हम शांत जल में पत्थर फेंकते हैं तो उसके जो वृत्ताकार बलियां होती हैं उसके चारों ओर समान कला में दोलन करने लगती हैं, गति करने लगती हैं। उन वृत्ताकार बलियों को देखने पर किसी क्षण एक उनका फोटोग्राफ, उनकी देखने की जो दिशा होती है फोटोग्राफ होती है, उन वृत्ताकार बलियों को दर्शाता है। उन जो वृत्ताकार ये बलियाँ हैं ये उनको दर्शाती हैं जिनके ऊपर विक्षोभ अधिकतम हो। मान लेते हैं दोस्तों इनके ऊपर क्या हो, विक्षोभ जो हो बहुत अधिकतम हो, तो ये किसी एक ऐसा क्षण आता है जब ये वो दर्शाती है, इनका फोटोग्राफ वह दर्शाता है कि इनके ऊपर विक्षोभ क्या है, अधिकतम है। क्या है दोस्तों, विक्षोभ अधिकतम है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है दोस्तों, इससे क्या हो जाता है, अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये समान कला में गति करती है। क्या हो जाता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो वलियां होती हैं ये समान कला में दोलन करती हैं, क्योंकि ये स्रोत से, ये जो स्रोत दिया हुआ है ये समान दूरी पर होती है। मान लीजिए यहाँ से एक ये आई, फिर इसके बाद ये बढ़ी, परंतु ये आप ढेला फेंक कर देखिएगा, जहाँ पर प्रतिघात बिंदु होगा, जहाँ पर आपका पत्थर गिरा होगा, वहाँ से जो ये बलियाँ होंगी ये समान दूरी पर होंगी। क्या होंगी दोस्तों, समान दूरी पर होंगी। तो आप इसे क्या कह देंगे, समान कला में ये गति करेंगी। तो यही बिंदु पर जो बीच का बिंदु होगा जहाँ पर आपका पत्थर गिरेगा वह क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, तरंगाग्र कहलाएगा। फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी शांत जल में आप ढेला फेंकते हैं या पत्थर फेंकते हैं तो वृत्ताकार बलियाँ उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगती हैं। किसी क्षण उन वृत्ताकार बलियों का फोटोग्राफ, किसी क्षण उन वृत्ताकार बलियों का फोटोग्राफ यह दिखाता है कि इन पर विक्षोभ अधिकतम है, क्योंकि ये जो प्रतिघात बिंदु है इनसे ये समान दूरी पर होती हैं। अर्थात यह पता चलता है, अर्थात इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह समान कला में गति कर रहे हैं, और यही गति क्या कहलाती है, तरंगाग्र कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, तरंगाग्र कहलाती है। यदि ये डेफिनेशन आपके समझ में आ गई हो तो इसे आप रख लीजिएगा, हमेशा आपके काम आएगी। ये मैंने आपके प्रैक्टिकली बता दिया, आप ढेला फेंक कर शांत जल में देख सकते हैं, जैसे ही
आप ढेला फेंकेंगे तो उसके चारों ओर ये वृत्ताकार बलियां निकलने लगेंगी प्रतिघात बिंदु से, जहां पर आपका ढेला पत्थर गिरा होगा उसी बिंदु से। तो वो जो वृत्ताकार बलियां होंगी यहां से समान दूरी पर होंगी, इससे यह पता चल जाएगा समान दूरी पर होंगी तो इससे यह पता चल जाएगा कि ये समान कला में गति कर रहे हैं। और जब प्रत्येक का समान कला में गति करता है तो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों तरंगाग्र की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी, अथवा अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो मैं दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि दूसरी डेफिनेशन तरंगाग्र की क्या होगी। तो इसे मान लेते हैं आपकी कोई काल्पनिक पृष्ठ हो गया, क्या हो गया दोस्तों, काल्पनिक पृष्ठ हो गया, काल्पनिक पृष्ठ हो गया, क्या हो गया दोस्तों, काल्पनिक पृष्ठ हो गया। तो आप बोल देंगे वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे तरंगे समान कला में आगे की ओर गति करती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं, तो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। मान लीजिए ये आपका काल्पनिक पृष्ठ है तो आप बोल देंगे, आप क्या बोल देंगे दोस्तों, वह काल्पनिक पृष्ठ, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है तो आप बोल देंगे वह काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ जिससे क्या होता है दोस्तों, इन्हें वलियों को आप मान लीजिए तरंगों के रूप में चलती हैं, किसके रूप में दोस्तों, तरंगों के रूप में चलती हैं। और आप देखते हैं कि जहाँ से आप ढेला फेंकते हैं उसकी दूरी समान होती है, चाहे आप शांत जल में पत्थर फेंककर माप भी सकते हैं, ये इनकी दूरी जो होगी वह समान होगी। तो दोस्तों ये जो दूरी है इनकी समान होती है, तो आप कह देंगे वह काल्पनिक पृष्ठ जहाँ से, वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें, यह जो काल्पनिक पृष्ठ है जिसमें समान कला में तरंगें गति करती हैं, क्या करती हैं दोस्तों, समान कला में तरंगें गति करती हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तो यहाँ पर मैं इसी वाली डेफिनेशन को लिख देता हूँ, फिर आपसे बात कर लेता हूँ। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें तरंगे समान कला में आगे की ओर बढ़ती हैं, तरंगाग्र कहलाता है। जब आप किसी शांत जल में ढेला फेंकेंगे तो उसमें जो भी तरंगे होंगी वह आगे की ओर ही बढ़ेंगी, जहाँ तक आपका पानी भरा होगा वहीं तक ये तरंगे आगे की ओर आपको गति करते हुए दिखाई देंगी। चाहे आप किसी भी शांत जल में ढेला फेंक के देख लीजिएगा, आपको ये तरंगे समान कला में बढ़ती हुई नजर आएंगी, यही प्रक्रिया आपकी तरंगाग्र कहलाती है। उम्मीद करूँगा दोस्तों तरंगाग्र की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, यदि समझ में आ गई तो 2 मार्क आपके पक्के हो गए, इस बात को आप भूल न जाइएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे अंत करता हूं। हेलो दोस्तों, अब आप WhatsApp के जरिए अपने किसी भी कठिन से कठिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सवाल को सोल्यूशन 10 सेकंड में वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। आपको करना क्या है, इस नंबर को जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 8400400, इसको सेव कर लेना है और अपने क्वेश्चन की फोटो खींचना है। जैसे कि इधर से आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचेंगे, मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं फोटो खींचना है और आपको इधर से क्रॉप कर देना है, और क्रॉप करने के बाद आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। 10 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। जैसे कि यहाँ से मैंने भेज दिया है, अब आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों आपके सामने आपका वीडियो सोल्यूशन आ गया है।